लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जनता को राजनैतिक झंडे के नीचे लाना चाहते थे। उन्होंने ये समझ लिया था कि राजनैतिक उद्देश्यों के लिए जन आंदोलन का कितना महत्व है। उन्होंने गणेश पूजा और शिवाजी महाराज के वार्षिकोत्सव को सार्वजनिक त्योहारों का रूप दिया ताकि लोगों को अपने भूतकाल पर गौरव हो। तिलक द्वारा प्रकाशित मराठी के केसरी और अंग्रेजी के मराठा समाचार पत्र दोनों ही सामाजिक और राजनैतिक न्याय की वकालत करते थे। इन पत्रों ने गरीबी के दलदल में फंसी जनता की आवाज ऊंची की। सन 1894 में पूना में चाफेकर बंधुओं ने प्रथम क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया। उन्होंने इस संगठन के अंतर्गत गणपति पूजा और शिवाजी उत्सव का आयोजन किया। इनमें पढ़े जाने वाले गणपति श्लोक और शिवाजी श्लोक दोनों ही अंग्रेजी राज के खिलाफ थे। चाफेकर बंधु तीन भाई थे। सबसे बड़े थे दामोदर चाफेकर, इसके बाद बालकृष्ण चाफेकर और सबसे छोटे थे वासुदेव चाफेकर। इन तीनों ने मिलकर जिस क्रांतिकारी संगठन को तैयार किया था उसमें देशभक्त नवयुवकों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ काम करने के लिए सैनिक प्रशिक्षण दिया करते थे। जगह जगह कसरत, कुश्ती, शस्त्र संचालन आदि का प्रशिक्षण शुरू हो गया था। इस तरह बड़ी संख्या में अनुशासित कार्यकर्ता तैयार होने लगे थे। सन 1897 में पूना में प्लेग फैला। सरकार की ओर से नियुक्त मिस्टर ब्रांड ने रोगियों को खोजने के बहाने घर घर की तलाशी शुरू कर दी। कुछ घरों में राजनीतिक बातों संबंधी कागजात भी मिले। मिस्टर रैंड ने इन तलाशियों के नाम पर जनता पर अत्याचार शुरू कर दिया। इससे लोग परेशान हो उठे। लोकमान्य तिलक ने इन तलाशियों का विरोध करते हुए कहा कि ये सब हमारे राष्ट्र की आत्मा को कुचलने के लिए किया जा रहा है। 22 जून 1897 को महारानी विक्टोरिया का 60वां राज्याभिषेक दिवस मनाया गया। पूना में भी खूब धूमधाम थी, खूब रोशनी हुई, आतिशबाजी छूटी और ब्रिटिश अफसर खूब नाचे और झूमे। रात को घर लौटते हुए मिस्टर रैंड और उनके साथी लेफ्टिनेंट अरेस्ट पर अचानक गोली चली। हत्यारे भाग निकले। इस घटना से सारे भारत के ब्रिटिश सत्ता चौंक उठी थी कि क्या फिर से क्रांति होने वाली है। चाफेकर बंधुओं ने न सिर्फ इन हत्याओं को कबूल किया बल्कि ये भी माना कि हमने महारानी विक्टोरिया की मूर्ति पर कोलतार भी पोता है। उन्होंने कहा, हमें खुशी है कि हमारे माथे पर विद्रोह का टीका लगा है। चाफेकर बंधुओं पर मिस्टर रैंड और लेफ्टिनेंट अरेस्ट की हत्या के लिए मुकदमा चलाया गया और तीनों भाइयों को मृत्युदंड दिया गया। पूना की यरवदा जेल में दामोदर चाफेकर को 18 अप्रैल 1898 को, वासुदेव चाफेकर को 8 मई 1899 को और बालकृष्ण चाफेकर को 12 मई 1899 को फांसी दी गई। अब अंग्रेज लोकमान्य तिलक की ओर मुड़े। उन पर ये अभियोग लगाया गया कि 15 जून के केसरी में आपने जो लेख लिखा था वो भड़काने वाला था और इसी कारण चाफेकर बंधुओं ने मिस्टर रैंड और मिस्टर अरेस्ट की हत्या की। आप चूंकि क्रांति भड़काते हैं इसलिए आपको 6 साल कैद की सजा दी जाती है। लोकमान्य तिलक की सजा के खिलाफ देश भर में आंदोलन शुरू हो गए। लोगों में क्रांति की आग सुलग उठी। लोग त्याग और बलिदान के लिए चल पड़े। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर इस समय किशोरावस्था में थे। उन्होंने चाफेकर बंधुओं के बलिदान से प्रेरित होकर प्रतिज्ञा की थी, मैं भारत माता की गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करता हूँ। विनायक दामोदर सावरकर ने लोकमान्य तिलक के विचारों से प्रभावित होकर मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाया। सावरकर ने युवकों को संगठित करके उन्हें हथियारों से लैस होने का आह्वान किया। उनकी इस सशस्त्र क्रांति की पुकार ने मद्रास और बंगाल तक
क्रांति की ज्वालाएं भड़का दी। इन्हीं दिनों स्वामी विवेकानंद देश के नवयुवकों में अपने राष्ट्र के अतीत के प्रति गौरव और आत्मसम्मान की भावना जगाने में जुटे हुए थे। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के मानवतावाद के प्रचारक थे। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों से भारतीय परंपरा की महानता को समझा था। विदेश यात्रा के बाद जब वो 1897 में भारत वापस आए तो उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति की श्रेष्ठता को चुनौती दी और कहा कि हम उनसे कहीं अधिक ऊंचे हैं। उन्होंने देश के नवयुवकों से कहा, तगड़े बनो, मर्द बनो, तुम ऐसे कर्म को अपनाओ जो हम में आस्था पैदा करे, राष्ट्रीय आत्मसम्मान पैदा करे और गरीबों को भोजन तथा शिक्षा दिलाने के साथ साथ पीड़ितों का कष्ट दूर करने का समर्थन करे। हे वीर, तू साहस कर, गर्वित हो कि तू भारतीय है और बड़े गर्व के साथ ये कहे कि मैं भारतीय हूं और हर एक भारतीय मेरा भाई है। भारत भूमि मेरे लिए सर्वोच्च स्वर्ग है, भारत की भलाई मेरी भलाई। कांग्रेस का 11वां अधिवेशन सन 1895 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने की थी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इस अधिवेशन में 2.5 घंटे तक भाषण दिया था। अब तक के कांग्रेस अधिवेशनों में सबसे लंबा भाषण यही था। सन 1898 में लॉर्ड कर्जन भारत का वॉयसराय बनकर आया। लॉर्ड कर्जन एक बेहद महत्वाकांक्षी, घमंडी, भटी और तुनक मिजाज व्यक्ति था। वो दूसरों की सलाह की परवाह नहीं करता था। अपने आप को वो हमेशा सही समझता था और अपने मातहतों की भावनाओं को निर्दयता से कुचलने में जरा भी संकोच नहीं करता था। लॉर्ड कर्जन नहीं चाहता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ताकत के रूप में उभर कर ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा बने। इंग्लैंड में भारतीय मामलों के मंत्री मिस्टर हैमिल्टन से उसने कहा था, मेरी एक महत्वाकांक्षा ये है कि मैं कांग्रेस के शांतिपूर्वक निधन में सहायक बनूं। और जॉर्ज हैमिल्टन ने लॉर्ड कर्जन को शाबाशी देते हुए कहा था, अगर 1-2 साल में कांग्रेस पूरी तरह लड़खड़ा जाती है तो उसके लोप का श्रेय तुम्हें ही मिलेगा। कर्जन ने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए पहला मुहरा शिक्षित मध्यम वर्ग को बनाया जिससे उसका राजनीतिक प्रभाव खत्म हो सके। ऐसे लोगों में बंगाल का प्रबुद्ध वर्ग सबसे आगे था। इसके लिए उसने उन्हें अलग थलग करने की योजना बनाई जो बाद में बंग भंग के नाम से जानी गई। बंग भंग यानी बंगाल का विभाजन ऊपरी तौर पर इसलिए किया जाना था कि बंगाल प्रांत बहुत बड़ा है और प्रशासन ठीक तरह से नहीं चल पाता, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य ये था कि उस समुदाय की राजनीतिक एकता को छिन्न भिन्न कर दो जो सरकार के खिलाफ देश को नेतृत्व प्रदान कर रहा है। बंग भंग की योजना दिसंबर 1903 में प्रकाशित हुई तो उसके खिलाफ देश भर में आवाज उठी। अखबारों ने उसकी निंदा की और प्रस्ताव का विरोध किया। लॉर्ड कर्जन ने 18 फरवरी 1904 को बंग भंग के खिलाफ उठ रहे जनता के प्रचार का जवाब देने के लिए पूर्वी बंगाल के चटगांव, ढाका और मैमनसिंह जिलों का दौरा किया। उसने अपने भाषणों में जनता में सांप्रदायिक विष और अहंकार को उकसाया, लेकिन फिर भी पूर्वी बंगाल की जनता पर उसके इन भाषणों का कोई असर नहीं पड़ा। लॉर्ड कर्जन ने इस योजना को लागू करने के लिए भारतीय अधिकारियों और इंग्लैंड के शासकों से लंबी बातचीत की। आखिर सन 1905 के आरंभ में बंग भंग संबंधी लॉर्ड कर्जन के इरादे स्पष्ट हो गए और उसी के साथ उभरा बंग भंग विरोधी जन आंदोलन। 10 जनवरी 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हजारों लोगों की जनसभा में लॉर्ड कर्जन के बंग भंग संबंधी प्रस्ताव की खुलकर निंदा हुई। फिर जब ब्रिटिश सरकार ने बंग भंग प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर प्रकाशित किया तो जैसे आग में घी पड़ गया।
इसने सारे बंगाल को झकझोर दिया और सभी भारतीयों ने, चाहे वे किसी भी आयु, जाति, धर्म और व्यवसाय के हों, उन्होंने जमकर विरोध किया। 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई जनसभा बड़े ऐतिहासिक महत्व की थी। इस जनसभा में अपार जनसमूह उमड़ पड़ा था। शहर की अधिकांश दुकानें बंद रही। वंदे मातरम के नारों से सारा आकाश गूंज रहा था। विभाजन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बंगाल एक है, एक है, एक है। एकता ही शक्ति है, एकता ही शक्ति है। इस सभा में कासिम बाजार के अंबिका चरण मजुमदार ने कहा, भारत के इतिहास में एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। बंग भंग के साथ इस देश में राजनीतिक आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। शीघ्र ही बंग भंग विरोधी आंदोलन बंगाल की सीमाओं से बाहर फैल गया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और तमाम अन्य भागों में नई जागृति आ गई। लोगों ने बड़े जोश से स्वदेशी और बॉयकॉट संबंधी प्रस्तावों को स्वीकार किया। 28 सितंबर को महालय के दिन कलकत्ता के कालीघाट मंदिर में धूमधाम से विशेष पूजा का आयोजन किया गया। पूजा के बाद भक्तों ने सामूहिक रूप से मां काली के सामने प्रतिज्ञा की, जहां तक संभव होगा मैं विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा पूरे बंगाल के काली मंदिरों में दोहराई गई। आखिर 16 अक्टूबर 1905 को वो काला दिन आया जब विभाजन लागू हुआ और बेकफील्ड फुलर ने नए प्रांत के गवर्नर का पद संभाला। इस दिन को बंगाल में पवित्र संकल्प और गहरे शोक का दिन माना गया। सवेरा होते ही झुंड के झुंड लोग नंगे पांव गंगा घाटों की ओर बढ़ने लगे। वे भजन और राष्ट्रगान गा रहे थे और वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई और एक दूसरे को बंधुत्व का प्रतीक राखी बांधी। उस दिन सभी ने उपवास किया, किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला। तीसरे पहर लोग फेडरेशन हॉल की नींव रखने के समारोह के लिए एकत्र हुए। इस हॉल को समस्त बंगालियों की एकता के प्रतीक स्वरूप बनाने का निश्चय किया गया था। बंग भंग के विरोध में एक राष्ट्रीय कोष खोला गया था, जिसमें उसी दिन 70,000 रुपए इकट्ठा हो गए थे। समारोह में सुप्रसिद्ध न्यायविद और शिक्षा शास्त्री गुरुदास बैनर्जी, प्रमुख चिकित्सक नील रतन सरकार के साथ साथ बंगाल के शेर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष और कवि रविंद्रनाथ ठाकुर आदि बंगाल के सभी प्रमुख नेता मौजूद थे। भवन के शिलान्यास से पहले अंग्रेजी में लिखी घोषणा का बांग्ला अनुवाद रविंद्रनाथ ठाकुर ने पढ़ा था, जिसका आशय था, बंग राष्ट्र के सार्वजनिक विरोध के उपरांत भी सरकार ने बंगाल का विभाजन कर दिया है, इसलिए हम शपथ लेते हैं और घोषणा करते हैं कि हम बंग भंग के कारण पैदा होने वाली बुराइयों को दूर करने के लिए यथाशक्ति जो हो सकेगा वो सब कुछ अवश्य करेंगे और अपने राष्ट्र की एकता को आंच नहीं आने देंगे। इसके बाद बंग भंग विरोधी आंदोलन बड़ी तेजी से चला। शीघ्र ही इसका रचनात्मक रूप तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत स्वदेशी, बॉयकॉट और राष्ट्रीय शिक्षा तथा स्वराज्य के लक्ष्य की ओर बढ़ने की इच्छा को शामिल किया गया था। पूरे बंगाल में वंदे मातरम के उद्घोष के साथ जुलूस निकलने लगे। सरकार ने वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगा दिया। 22 साल में पुलिस की कड़ी निगरानी में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का जुलूस शांत और निहत्था था। लोग धीमे धीमे कवि रजनीकांत का ये गीत गुनगुना रहे थे। इसका आशय ये था कि माँ के दिए हुए मोटे कपड़े को सिर झुकाकर स्वीकार करो, तुम्हारी माँ दीन दुखी है, इससे अधिक उसके वश की बात नहीं है। जुलूस में शामिल लोगों की बाहों पर वंदे मातरम के बिल्ले लगे हुए थे। आखिर थोड़ी दूर जाने के बाद पुलिस ने जुलूस पर आक्रमण कर दिया। लोगों पर पुलिस की लाठियां बरसने लगी।
कुमार से तिल मिलाकर एक लड़के ने वंदे मातरम कहा तो पुलिस ने उसे तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने उस समय इतने जुल्म किए कि सारे देश में उसकी निंदा हुई। पुलिस के दमन के बावजूद भी बारिसाल में सम्मेलन हुआ और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपनी ओजस्वी वाणी में जनसमूह को संबोधित किया, किंतु बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर जुर्माना किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इस समय जेल से छूटकर आ गए थे। उन्होंने केसरी में आपात स्थिति आ गई है शीर्षक लेख में बंगाल विभाजन के विरोध और बहिष्कार के पक्ष में जमकर प्रचार शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, समय आ गया है कि स्वराज की मांग की जाए। टुकड़े टुकड़े सुधारों में काम नहीं चलने वाला। पंजाब में आर्य समाज ने स्वदेशी के सिद्धांत का प्रचार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आर्य समाज के प्रचारक लोगों को स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए प्रेरणा देते हुए गांव-गांव घूमे। उत्तर प्रदेश में भी आंदोलन फैला और स्वदेशी का प्रचार सभी जिलों में होने लगा। जगह जगह सभाएं हुई और स्वदेशी स्टोर खोले गए। इसके साथ ही दक्षिण भारत में ये आंदोलन फैला और वहां के अनेक जिले प्रभावित हुए। इधर कांग्रेस में दो दल हो गए थे और स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे थे। गरम दल के नेता थे लोकमान्य तिलक और नरम दल के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि। तिलक का प्रभाव कांग्रेस में बराबर बढ़ रहा था। वो राष्ट्रीय नेता बन चुके थे। नरम दल वाले जानते थे कि यदि इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव कराया तो तिलक भारी संख्या से जीत जाएंगे। इसलिए कलकत्ता में जब कांग्रेस का 22वां अधिवेशन हुआ तो उसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बनाए गए। इस अधिवेशन में 1600 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस बार जनता ने बड़े उत्साह से इसमें भाग लिया था। इस तरह बंग भंग के खिलाफ छेड़े गए आंदोलन ने जनता में ब्रिटिश सरकार विरोधी भावनाओं को बड़ी तेजी से बढ़ाया और चारों ओर असंतोष की लहर छा गई।